हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं कि एमडीआर टीबी को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर आपके सिम्टम टीबी के ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हमें ये टेस्ट करने हैं और ये चीजें देखनी है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एमडीआर टीबी को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले टेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं या रैपिड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं ग्रोथ बेस्ड टेस्ट, जो ग्रोथ होती है, जो कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं ग्रोथ बेस्ड टेस्ट, इसको बोलते हैं मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट 90 मिनट से लेकर के 120 मिनट के अंदर ज्यादातर टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ जाते हैं। और ये रैपिड टेस्ट होते हैं और ये रेजिस्टेंस बताते हैं। जो टीबी की फर्स्ट लाइन चार दवाइयां होती हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, पाइरेज़िनेमाइड एंड एथिम्बिट्रोल, उनका रेजिस्टेंस बताते हैं। तो जो मेन रेजिस्टेंस होता है, जो चारों दवाइयों का पता चलता है, वो तो बाद में ग्रोथ बेस्ड टेस्ट से पता चलता है, लेकिन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम रिफेम्पिसिन और आइसोनियाज़िड का रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। तो जो मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें पहला होता है सीबी नेट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, इसको बोलते हैं कैटरीज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। इसमें हमें एक तो एमटीबी पॉजिटिव है या नहीं है वो पता चल जाता है, दूसरा ये पता चलता है कि रेसिस्टेंस आर से रेफेम्पिसिन रेसिस्टेंस हमें पता चल जाता है, अगर इसमें आर रेसिस्टेंस लिखा हुआ हो यानी कि उस पेशेंट को एमडीआर टीबी है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा मानते हैं, अगर आर रेसिस्टेंस है तो एमडीआर टीबी है। हालांकि एज पर डेफिनेशन आर एंड एच दोनों से रेसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि रेफेम्पिसिन आइसोनियाज़िड से, क्योंकि गवर्नमेंट में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, सैंपल बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि अगर आर से रेसिस्टेंस है तो ये एमडीआर टीबी ही होगा, वो ऐसा एज्यूम करते हैं, जबकि ये 100% सच कई बार बात नहीं निकलती है। इसलिए आपको ग्रोथ बेस्ड टेस्ट भी करने चाहिए। तो सीबी नेट में हमें खाली आर रेसिस्टेंस, रेफेम्पिसिन रेसिस्टेंस पता चलता है। अगर आर सेंसिटिव लिखा हुआ आ रहा है, आर इज सेंसिटिव, दैट मींस वो एमडीआर टीबी नहीं है। एमटीबी पॉजिटिव एंड आर सेंसिटिव, यानी कि टीबी है लेकिन एमडीआर नहीं है। अगर लिखा है एमटीबी पॉजिटिव आर रेसिस्टेंस, इसका मतलब एमडीआर टीबी है। और अगर लिखा है एमडीआर एमटीबी निगेटिव, इसका मतलब टीबी ही निगेटिव आया है, तो उसमें रेसिस्टेंस चेक करने का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट होता है जीन एक्सपर्ट फॉर एमटीबी, ये प्राइवेट सेक्टर में होता है जीन एक्सपर्ट, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है सीबी नेट, है दोनों ही न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। जैसे हम कोविड के टेस्ट करते थे, न्यूक्लिक एसिड को बार बार चेन रिएक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया का होता है, तो ये चेन रिएक्शन बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट होते हैं। जो गवर्नमेंट में होता है उसे सीबी नेट बोलते हैं, जो प्राइवेट में होता है उसे जीन एक्सपर्ट फॉर एमटीबी बोलते हैं। तीसरा होता है ट्रू नेट, ये भी ऐसा ही टेस्ट होता है और 90 मिनट में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। और अच्छी बात यह है इन तीनों टेस्ट की कि बहुत कुछ हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती इसको टेस्ट करने के लिए। जो आपके अनट्रेन्ड स्टाफ होते हैं वो भी सैंपल इसका ले सकते हैं। फैल्कन ट्यूब होती है, उसमें सैंपल लेना होता है। पल्मोनरी टीबी में जो लंग्स की होती है, हम बलगम लेते हैं, सुबह का खाली पेट, अच्छा गाढ़ा बलगम होना चाहिए जो लंग्स के अंदर से आए। और जो अदर टीबी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जैसे कि एसाइटिक फ्लूड हो गया, पस हो गई, बॉडी के सिक्रीशंस हो गए, उनको भी ये हम टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट होता है एलपीए, जिसको बोलते हैं लाइन प्रोब एसे, इसमें हम एच एंड आर दोनों के रेजिस्टेंस कर सकते हैं और इसके रिजल्ट आते हैं 2 से 3 दिन में। इसका फायदा ये है कि एच एंड आर दोनों का रेजिस्टेंस पता चल जाता है। दूसरे होते हैं ग्रोथ बेस्ड टेस्ट, इसमें पहला होता है एलजे मीडिया या लुइस जेनसन मीडिया, टेस्ट होता है अगार होता है, जो सॉलिड करता है मीडिया को, और प्लेट्स में जो पेटरी डिशेस होती हैं उसके अंदर माइकोबैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, तो उसकी एक ग्रोथ होती है, खेती होती है, तो वो हम देखते हैं। तो उसमें हम वेट करते हैं, हर वीक पे हम रिपोर्ट देते हैं 7 दिन पे, हर एवरी वीक 6 हफ्ते तक। जब ग्रोथ आ जाती है तो हम पॉजिटिव बोल देते हैं, अगर ग्रोथ नहीं आती तो हम उसको निगेटिव बोल देते हैं। दूसरा होता है लिक्विड मीडिया या एमजीआईटी मीडिया, माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, जो कि एक लिक्विड मीडिया है, इसका 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें जो एलजे मीडिया होता है या सॉलिड मीडिया, एलजे मीडिया गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है,
टीबी की डायग्नोसिस के लिए। अगर हम कितने भी टेस्ट की बात करें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड मीन सबसे बढ़िया टेस्ट, तो लुइस जेनसन मीडिया टेस्ट होता है। इसमें 6 हफ्ते तक हम बैक्टीरिया को ग्रो करा करके देखते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसको बोल देते हैं हाँ पॉजिटिव आ गया है। अब बात करते हैं ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग की, जिसे हम डीएसटी बोलते हैं। तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो टीबी की फर्स्ट लाइन दवाइयां होती हैं, जैसे कि HRZE, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पाइरेजिनेमाइड एंड एथेम्बुटोल, उसका रेसिस्टेंस हम चेक करते हैं एलजे मीडिया में। जब एक बार बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है कल्चर प्लेट में, उसमें हम ये चारों दवाइयां लगा के देखते हैं कि बैक्टीरिया इनसे मर रहे हैं या नहीं मर रहे। अगर किसी से भी नहीं मर रहे हैं, रेसिस्टेंस शो कर रहे हैं, यानी कि उस दवाई से रेसिस्टेंस है, तो इससे हम जो टीबी की फर्स्ट लाइन दवाइयां हैं उनका भी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, और सेकेंड लाइन जो दवाइयां होती हैं जो हम एमडीआर टीबी में देते हैं उनका भी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। क्योंकि सेकेंड लाइन दवाइयों से भी अगर रेजिस्टेंस है तो हम उसे एक्सडीआर टीबी बोल देते हैं, जो उसकी भी नेक्स्ट कैटेगरी होती है। तो फर्स्ट लाइन दवाइयां, सेकेंड लाइन दवाइयां, सारी दवाइयों से हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसकी रिपोर्ट गलत नहीं होती है, और ये ही एक आइडियल टेस्ट होता है रेसिस्टेंस चेक करने के लिए, जिसमें आप किसी भी टीबी की दवाई से रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी एग्जैक्ट कौन कौन सी दवाइयों से रेसिस्टेंस है, और उसी के बेसिस पे हम जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। क्योंकि जिस दवाई से रेसिस्टेंस आ रहा है, कई बार पेशेंट ठीक नहीं होता तो हमें बाद में पता चलता है, इसमें हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि रेसिस्टेंस है या नहीं है, तो जिस दवाई से रेसिस्टेंस होता है वो हम नहीं देते। लेकिन इसमें एक ध्यान देने लायक बात यह है कि जो सेम कल्चर प्लेट होती है जिसमें AFB एसिड फास्ट बेसिलाई कल्चर प्लेट होती है, इसमें पॉजिटिव आता है जिसमें ग्रो करता है, तो हमें सेम आइसोलेट में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग चेक करना होता है, जिसे डीएसटी बोलते हैं। तो डीएसटी फर्स्ट लाइन दवाइयों का भी होता है, सेकंड लाइन का भी होता है, लेकिन हमें सेम कल्चर प्लेट में चेक करना होता है जिसमें AFB कल्चर पॉजिटिव आया हुआ है, हमें सेम प्लेट में लगाना होता है। तो जिस भी लैब में आपने सैंपल दिया हो, बलगम दिया हो, यूरिन दिया हो, फ्लूड दिया हो बॉडी का, पस लाइक मटेरियल दिया हो, तो जिस भी लैब में आपने दिया हो तो उनको ये बोलना होता है कि वैसे वो संभाल के रखते हैं 2 महीने तक, अगर कोई AFB कल्चर पॉजिटिव आता है तो वेट करते हैं। तो आपको तुरंत वहां पे पहुंचना होता है, बिलिंग करा करके आपको ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी सेम कल्चर प्लेट में लगवानी होती है, जिसकी रिजल्ट्स जो है वो 1 से 2 महीने के भीतर डीएसटी के रिजल्ट्स आ जाते हैं और आपको फाइनल पता चल जाता है कि टीबी ठीक क्यों नहीं हो रही है। आई होप फ्रेंड्स मैंने ये टीबी के डायग्नोस्टिक टेस्ट मॉलिक्यूलर एंड ग्रोथ बेस्ड टेस्ट के थ्रू आज एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। जिन लोगों की टीबी ठीक नहीं हो रही है तो कैसे पता लगाएं कि कौन सी दवाई काम कर रही है, कौन सी दवाई नहीं काम कर रही है, और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड आइडियल टेस्ट कौन सा है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,